हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू वीडियो। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में वैदिक मैथमेटिक्स बताने जा रही हूँ। वैदिक मैथमेटिक्स मतलब प्राचीन काल में जब लोगों के पास में कैलकुलेटर्स नहीं थे तो वो लोग अपने सम को कैसे फास्ट वे में सॉल्व कर लेते थे फॉर इजी एंड फास्ट कैलकुलेशन। अगर आपको कोई भी डिजिट का स्क्वायर करना हो तो हम किस प्रकार से इजीली करेंगे ये देखिए, लेकिन उसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 होना चाहिए, तभी आप इसको ट्रिक को कर सकते हैं। तो देखिए, यहां सपोज हमारे पास डिजिट है 25, ओके। तो अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 25। अब 5 के अलावा हमारे पास में डिजिट बची 2, तो 2 का सक्सेसर होगा उसको हमको मल्टीप्लाई करना है। 2 का सक्सेसर हुआ 3, तो 3 2 6, 3 2 6 हो गया, ओके। तो ये हमारा आंसर हुआ 625। सपोज हमारे पास सेकंड नंबर है 95, तो देखिए इसमें भी एंड डिजिट है 5, तो हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए 5 का स्क्वायर होगा 5 5 25। अब उसके अलावा हमारे पास डिजिट क्या है 9, तो 9 का सक्सेसर होगा 10, तो 10 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 10 90, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक लास्ट एग्जांपल और मैं आपको बता रही हूं जिसमें हम 3 डिजिट ले रहे हैं, 1 1 एंड 5। तो देखिए यहां भी इसमें लास्ट डिजिट है 5, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 25। उसके अलावा हमारे पास डिजिट बची 11, तो 11 का सक्सेसर क्या होगा 12, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 132 डिजिट आए, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको इजीली स्क्वायर्स को कर सकते हैं, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।